अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमैर व्लॉग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना की सेफ्टी के मुतालिक कि कोरोना से किस तरह आप हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। और ये एक अहम इशू है कि हम लोग इसको ज़्यादा अहम नहीं ले रहे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपको आगाही हो कि इसके कैसे हिफाजत की जा सकती है। हम लोग आपको मतलब हिफाजती कोई इकदाम बताएंगे, सिंपली आप उनको यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि फालतू में घरों से बाहर मत निकली, ठीक है। आपकी सेफ्टी के लिए हम बता रहे हैं, आपका हमारा मुल्क की आर्मी बता रही है कि आप अपने घरों में रहें, ज़्यादा बाहर मत निकलें और किसी से फालतू हाथ मत मिलाएं। हाथ मिलाने से ये एक कोरोना का जरासीम दूसरे के हाथ में ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से आप भी इसमें बीमारी मुबतला हो सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप अपने घरों में हैंड सैनिटाइज़र तो वो यूज़ करें, बेटर है ये हैंड सैनिटाइज़र। अगर ये नहीं अवेलेबल तो आप कुछ डिटॉल में पानी में डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मास्क जो हैं आपको अवेलेबल हैं तो ठीक है, मास्क ज़रूर पहने कि आपकी ये हवा के ज़रिए आपकी नाक में ना चला जाए कोई जरासीम। तो ये सेफ्टी के बहुत सिंपल तरीके हैं, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ हैंड सैनिटाइजर और मास्क यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये मैसेज जैसा हम लोग दे सकते थे हमने दे दिया है। तो स्पेशली तौर पे ये जो ओवरसीज लोग हैं, आप देखें कि कैसे वो अपने मतलब बीवी बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी लॉकडाउन हो गया है कि वो अभी अपने अपने घरों में, रूम में, जो को उनकी अकोमोडेशन है, कोई कंपनियों में काम करते हैं, कोई फ्री वीज़ा पे हैं, ख़ासकर ये जजीरा अरब में जितने भी लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, दूसरे कंट्रीज़ के भी हैं, इंडिया बांग्लादेश के, वो भी अभी लॉकडाउन का जो है उससे भी बहुत मुतासर हुए हैं। जाहिर बात है वो अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, अपने कैंपों में बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो किस लिए बैठे हुए हैं कि ताकि हालात सही हों और वो दोबारा काम पर जा सकें। और किन के लिए जा सकें? अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने कंट्रीज़ के लिए, अपने जो मतलब जिनकी जिस पर्पज़ के लिए वो दूसरे कंट्रीज़ में आए हैं काम करने के लिए। ये कोई इतने ज़्यादा को पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, बस लेबर वर्कर जो मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए बंदा दूसरे कंट्रीज़ में आता है। तो स्पेशली तौर पर आपका बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी। तो हम यहाँ पर सारे दोस्त बैठे हुए थे तो सोचा एक वीडियो बनाएं, तो कोरोना वायरस के मतलब जो भी हम लोग बता सकते हैं लोगों को। तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी हमारे दोस्तों की, तीनों उमैर एक साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये उमैर भाई छोटे भाई हैं, ये उमैर भाई लंबे भाई हैं, वैसे तो ये छोटे हैं लेकिन हम उनको बड़ा उमैर इसलिए बोलते हैं कि ये बड़े हैं, और मेरा तो आप जानते ही हो, मेरा नाम भी उमैर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Ha 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 ha